अच्छा तो बेटा, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है सुपर गप्पी। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। ओके, मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक दोनों पड़ोसी थे और अक्सर साथ साथ रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन एक बात बहुत बुरी थी कि दोनों दोस्त अक्सर बेपरकी उड़ाया करते थे और जिस बात पर अड़ जाते थे उससे पीछे ना हटते। एक दफा मिस्टर हैरत कहने लगे, मैंने उड़ती हुई गाय देखी है जो परिंदों की तरह उड़ती है। यह सुनकर मिस्टर नाक ने जवाब दिया, और मैंने हथौड़े और कीले खेतों में उगते देखी है। ये जवाब सुनकर मिस्टर हैरत का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। एक दिन मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक लकड़ियां लेने जंगल में जा रहे थे। मिस्टर नाक ने पूछा, मेरे दोस्त, क्या तुम्हारे पास नया कुल्हाड़ा है? हाँ, नया है, मिस्टर हैरत ने कहा। और ऐसा कुल्हाड़ा तुमने पहले कभी ना देखा होगा। ये सिर्फ लकड़ियां ही नहीं काटता बल्कि पत्थरों को भी काट देता है। मुझे यकीन आ नहीं आ रहा, मिस्टर नाक ने कहा। फिर भी मेरे कुल्हाड़े का जवाब नहीं, ये अगरचे पुराना है लेकिन तुमने सुना होगा कि ओल्ड इज गोल्ड। कोई मेरे कुल्हाड़े का मुकाबला नहीं कर सकता, सिर्फ एक मर्तबा सानपुर रगड़ने की जरूरत है। फिर तुम चाहो तो इसे अपनी शेव बना लो। यह सुनकर मिस्टर हैरत कहने लगे, मुझे अपने कुल्हाड़े को चमकाने के लिए शान की जरूरत नहीं। ऐसा करने से सिर्फ मेरी एक फूंक ही काफी है। और फिर मेरी एक जरब बड़े से बड़े दरख्त को नीचे गिराने के लिए काफी है। ये सुनकर मिस्टर नाक भला कब पीछे रहने वाले थे, अपने कुल्हाड़े के दस्ते को मजबूती से पकड़कर बोले, मुझे सिर्फ कुल्हाड़े को हुआ हवा में लहराने की जरूरत है। बड़े बड़े दरख्त खुद ब खुद जमीन से कटकर नीचे गिर पड़ते हैं। मिस्टर हैरत ने देखा, अच्छा ऐसी बात है, तो जरा इस सेब के दरख्त को तो काट कर दिखाओ। मिस्टर नाक ने जवाब दिया, ये कौन सी मुश्किल बात है, लो अभी देख लो। ये कहकर यूं ही उसने कुल्हाड़ा हवा में लहराने के लिए उठाया। उनकी कंपटी पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और मिस्टर नाक उछल कर दूर जा पड़े। मिस्टर हैरत, ये क्या बदतमीजी है, वो दर्द से चलाए। ये मेरी बदतमीजी नहीं है मिस्टर नाग, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करता, मिस्टर हैरत बोले। अब जो मिस्टर नाक ने देखा कि बाग का माली पटाई करने के लिए आगे बढ़ रहा था, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों गप्पी दोस्त वहां से किस तरह रफू चक्कर हो गए। खजा का मौसम आया तो मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक ने अपनी बंदूकें साफ की और शिकार को खड़े हुए। रास्ते में मिस्टर हैरत कहने लगे, आओ हम किसी रीछ को तलाश करें, हम आसानी से मार लेंगे। मिस्टर नाक ने ये सुनकर हैरत का तमस्खर उड़ाया और कहा, एक क्या मैं तो एक दर्जन ऋषियों को एक साथ मार सकता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो मैंने एक घंटे में 2 दर्जन खरगोश शिकार किए थे। ये सुनकर मिस्टर हैरत भला कब पीछे रहने वाले थे बोले,
और जब मैं बच्चा था तो एक वक्त में इतने खरगोश शिकार करता कि मुझे उनको ले जाने के लिए छकड़े मंगवाने पड़ते थे। इसलिए मैं सिर्फ मोटे मोटे खरगोश ले जाता और बाकी कौवों के लिए छोड़ देता। तो ये था मेरा कहानी का पार्ट वन। अब बेटा मैं अपनी कहानी दूसरे पार्ट में मुकम्मल करूंगी। तब तक आप इंतजार कीजिए। एक वक्फे के बाद दोबारा कहानी शुरू करती है।